नाश्ता अभी, और ये बस एक चाय, क्योंकि हालत टाइट है। पहले नाश्ता और चाय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, तो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। उस पर पूरा बनाया हुआ है, बेसिकली इट्स अ एंड्योरो ट्रैक, तो हम लोग ने डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए हैं ट्रैक पे। जैसे कि फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, यहाँ से जब नीचे जाते हैं तो दैट इज़ अ डाउन हिल विथ स्मॉल पेबल्स। उतर जाएंगे, नीचे उतरने के बाद देयर इज अ राइट, यू टेक अ राइट, देन यू टर्न, देन द घाट सेक्शन आता है। तो घाट सेक्शन में भी कैसा है, टर्न्स है एंड अपहिल्स है। तो टर्न्स और अपहिल्स में इनिशियली आपको ट्रॉटल लगेगा ही, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते गए डाउन हिल आ रहा है तो वो तो रोल ही करना है, और वैसे करते करते पूरा लैप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड अगेन विल एंड हियर ओनली, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने सुना, सब कुछ सुना आप लोगों ने, मैं जैसे गाइड हमको बता रहे थे वो बेसिस पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था एक्सपीरियंस सुनने को, बहुत अच्छा लग रहा था। बट अभी जब करेंगे ना तो उसमें लिटरली फटने वाली है, बिकॉज है यार मुश्किल तो है, ट्रैक मुश्किल तो है, क्योंकि ऑफ रोडिंग ये जो ट्रैक है इतना ईजी नहीं होने वाला, कहीं से भी ईजी नहीं होने वाला, और इतनी सारी बाइक्स है, एक्सपल्स तो भर भर के और KTM भर भर के, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं थोड़ा डरा भी हुआ हूँ, क्योंकि मैं कभी ऑफ रोडिंग ज़्यादा किया नहीं हूँ। But then to be, let's see what happens. देखेंगे, enjoy, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही कर रहे, तो कोई चीज़ फर्स्ट टाइम अगर कर रहे तो मज़ा ही आता है। तो 80% अपना बैटरी हेल्थ है अभी मोबाइल का, और देखते अभी स्टार्ट करेंगे अपन ऑफ रोड, और ऑफ रोडिंग स्टार्ट करके जितना जल्दी हो सके बैटरी अगर बचे बहुत अच्छा है। तो ये आने का रास्ता है, अभी हम लोग जाएंगे उस साइड से, तो वो साइड से पूरा ऐसे घूम के घूम के फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे आना है, और फिर यहाँ पर सब बाइक्स लगे हुए हैं, तो क्विकली एक बार बाइक वापस देख लेते हैं और अपने गियर को सेट कर लेते पहले। आई थिंक फर्स्ट लैप जा रहा है अभी 10 लोगों का, तो पहले इतने जन निकल रहे 10 लोग, बाकी के हम लोग को भी निकलना है अभी। गाड़ी पहले पीछे ले लेता हूँ, ठीक है ठीक है चलेगा। आराम से चला, बहुत स्लो, आराम से, ठीक है डन। चलो भाई, अपने को भी मिल गया चलाने के लिए भाई, वो तो सबसे, देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि चलाने नहीं आता, बट ऑफ रोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है, कब कौन सा गियर पे इधर पलटी मारता है गाड़ी। उन्होंने बोला था ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ मत करो, जितना हो सके स्टेबल स्पीड रखो, सो वो मेरे को बस याद है, ये उन्होंने बोला है कि स्टेबल स्पीड पे जाओ और जितना हो सके पीछे का ब्रेक मारो। नथिंग नथिंग, एकदम इजी, एकदम इजी। क्वाइट रिस्की, क्वाइट रिस्की था भाई, वो बहुत रिस्की है। क्यों गया नहीं सर, बहुत डर लगा सर वो। नहीं डरने का नहीं, डरेगा तो कभी चलेगा, ट्राई करो ना, हम लोग है ना इधर, कुछ भी हुआ तो हम लोग है ना, तुमको सिंपल चीज बताता हूँ, जब तुम अंदर जाते हो ना, जब स्लो जाओ, नीचे पहुंचने के बाद एक्सीलेटर दो, खुद ब खुद गाड़ी बाहर आएगी, ठीक है डन। डरेंगे काय को, डरेंगे तो कभी, हाँ जिंदगी भर अपन डरते रहेंगे। डन सर, सेकंड लैप में पक्का पक्का, हाँ, पक्का करूंगा। करने का कुछ भी है तो हम लोग है ना, ठीक है सर, चलेगा चलेगा, ओके ओके। जैसे पुलिस वाला पकड़ता ना वैसे ही हुआ इधर, पुलिस वाला पकड़ने पे कैसा होता है भाई, मेरी फट गई लिटरली वो खड्डा देख के, वो इतना गंदा था वो, ये सब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, इसको तो मैं चला लूंगा इजीली, मजा आ रहा है। लेकिन हाँ
ये सब तो मैं चला लूंगा, कितना भी कुछ बंदा हैंडल तो छूट रहा नहीं है, हैंडल तो छोड़ना ही नहीं है। एक्चुअली बराबर बोला था उन्होंने, हैंडल मत छोड़ना बस। कहाँ से जाना है? कौन आज तेरा और मेरा दोनों का टेस्ट है। तेरा तो तेरे को कुछ नहीं मुझे पता है। पीछे गाइड है लेकिन आई फेल। ये तो भाई बहुत हालत खराब करने वाला ट्रैक है ये। क्या बचाऊ भाई, क्या बचाऊ, व्हाट द फक, क्या बचाऊ मैं, जस्ट बचाऊ, जस्ट बचाऊ मैं, जस्ट बचाऊ, सीरियसली बोल रहा हूँ, जस्ट बचाऊ। ये भाई क्योंकि एकदम अचानक स्लोप आ गया और गाड़ी क्या मैंने कंट्रोल की है, क्या कंट्रोल किया है भाई, क्या कंट्रोल किया है, फट गई थी भाई, हालत टाइट था, फट गई थी भाई, फट गई थी, लिटरली फट गई थी। अच्छे अच्छों की फट जाए। प्रैक्टिस हो गया लेकिन बहुत अच्छा। इधर चला लिया ना तो किधर भी चला लेगा, यहाँ चला लिया तो कहीं भी चला लेगा इंसान, कहीं भी कहीं भी। इतना गंदा वाला ट्रैक था ये भाई, क्या बोलू मैं, क्या रोका हूँ उधर मैं, गिरते गिरते भाई कितना गंदा गिरता था पता है, इतना गंदा गिरता था। पहली बार में तो विदाउट गिरे गिरे गए हूँ। शुभम गाइस एकदम प्रोफेशनल, अभी इसका ये देखना। फाइनली शुभम गया अभी भाई, क्या प्रोफेशनलिज्म है भाई बंदे में, राइडिंग मतलब राइडिंग, ऐसा वो गली राइडर्स वाले वो नंदे नहीं है लोग,
प्रॉपर बोलते ना एकदम, ये नहीं कि बस सिटी में चला लिया, घुमा दिया किधर भी गाड़ी, ये कर दिया वो कर दिया, प्रॉपर राइडर है, प्रॉपर हाउ टू राइड प्रोफेशनली, किधर कैसा स्लो करना, किधर कैसा सो ही नोज एवरीथिंग प्रोफेशनली एकदम, क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया कि उसका राइडिंग स्किल्स देख के समझ जाता है, इंसान का राइडिंग स्किल्स देख के ही समझता है कौन कैसे चलाता है। चलो अपन में निकलते गाइस। तो यस, तो आज का हुआ ट्रिप कंप्लीट और अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ, काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी थकावट हुई है आज, मुझे भूख भी लगी है, अब मैं कुछ खाया नहीं हूँ, सुबह जो खाया था बस उतना ही, और वॉट एवर, काम इम्पोर्टेंट है। आज गाड़ी एक दो बार गिर गई है मेरे से, एक तो जाते जाते गिरी थी, स्लो में खड़े खड़े में गिरा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है मेरा राइट वाला पैर ना बैलेंस नहीं कर पाता, पहुँचता नहीं है नीचे तक, जब बहुत ज़्यादा खड्डा होगा ऐसे तो नीचे वाला पैर ना पहुँचने की वजह से फिर मुझे इशू आता राइड में। तो बाकी तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबली इसको ऑन रोड वगैरह चला लेता हूँ। तो अगर मैं सच बताऊँ तो फॉर ऑफ रोडिंग यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्किल्स इन हिमालयन, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए इसका वेट मैनेज करने का, अगर वो सब है तो डेफिनेटली यू कैन रॉक इन दिस बाइक और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब सीधा जाऊँगा गाड़ी धोने के लिए, चेन लुब्रिकेंट मारूँगा। We'll be right back.